नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज नशा में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम। जब सत्य डोलता है तो अशोक वानखड़े बोलता है। सत्य कहाँ डोला? सत्य तमिलनाडु में डोला। और कैसा डोला? ये दो प्रांतियों के बीच में झगड़ा करने के लिए सत्य डोला। स्टालिन जो मुख्यमंत्री है तमिलनाडु के, डीएमके के सुप्रीमो है, उनका 70वां जन्मदिन बड़े धूमधाम से चेन्नई में मनाया गया। चेन्नई में जिस हिसाब से स्टालिन के स्टेज पे उन्हें बधाई देने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, इन लोगों का जब जमावट वहां हुआ तो तमिलनाडु में जहां भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद नहीं, एआईएडीएमके का साथ जहां जितना मिला उतना ठीक है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी इन दोनों को वहां पे किसी और के भरोसे ही रहना होता है। कांग्रेस डीएमके के साथ है, एआईएडीएमके जो विभिन्न शक्लों में बटी हुई है वो बीजेपी के साथ है। ये दोनों राष्ट्रीय दलों की मजबूरी है, लेकिन वहां पर बीजेपी को खोने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन एक ऐसा तीर तमिलनाडु में चला जिसका लक्ष्य बिहार था, क्योंकि बिहार के तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री हैं, वो उस दिन स्टालिन को बधाई देने आए, स्टेज साझा किया। उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को ये लगा कि ये नया गठबंधन जो बन रहा है वो तो क्या तकलीफ देगा, वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन बिहार में जो नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़कर फिर अपने पुरानी सहयोगी आरजेडी के साथ हाथ पकड़कर सरकार बनाई, तो बीजेपी को कहीं ना कहीं ठगा सा महसूस हुआ। ये बात अलग है कि बीजेपी ने जब यह काम आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड, मतलब लालू यादव और वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, इनके बीच में इनका गठजोड़ तोड़कर नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाई, तब वो उनको जायज लग रहा था। जब नीतीश कुमार ने इनका साथ छोड़ के फिर आरजेडी पे गया तो वो नाजायज हो गया। जायज और नाजायज ये समय समय पे परिभाषा बदलती है बीजेपी की। जब उन पे आघात होता है तो वो नाजायज होता है, जब वो किसी पे आघात करते हैं तो वो जायज मानते हैं। लेकिन यदि ये गठबंधन आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड का ठीक से लोकसभा चुनाव लड़ ले जैसा पिछली बार लड़े थे, तो वहां बीजेपी के लिए लोकसभा में बहुत बड़ी हानि होने का अंदाजा है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी तकलीफ दिए हुए बैठे। ममता ने वहां, जैसा कि मैंने कहा कि बीजेपी लेफ्ट के साथ भी जाने को तैयार है ममता को परेशान करने के लिए, तो ममता यदि पूरे ताकत के साथ उतरी तो फिर, क्योंकि लोकल बॉडीज इलेक्शन जब भी वहां पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के जो चुनाव होने जा रहे हैं, वो करीब करीब 62,229 पद है जिनके लिए चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें बड़ा अजीब गठबंधन हो रहे हैं। कहीं बीजेपी वामपंथी है तो कहीं बीजेपी कांग्रेस है, तो कहीं वामपंथी कांग्रेस बीजेपी साथ में है, क्योंकि ममता को हराना है। ऐसे में यदि ममता ने, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस और वामपंथ की वहां नहीं के बराबर स्ट्रेंथ है, ऐसे में यदि ममता ने ठान लिया तो जो 18 सीट थी उसमें से 6 सीट ही भी बड़ी मुश्किल से बीजेपी ले सकती है। तो बीजेपी को ये प्रश्न है कि एन के एन प्रकरे बिहार में इस गठबंधन को या तो तोड़ो, जैसा महाविकास आघाड़ी को तोड़ने का लगातार प्रयास हो रहा है, या इनको इतना बदनाम करो कि जनता इनको मतदान करने से परहेज करे। तो इसी चक्कर में एकाएक तमिलनाडु से खबरें आने लगी कि तमिलनाडु के अंदर उत्तर प्रदेश और बिहार के जो माइग्रेंट लेबर है, प्रवासी मजदूर है, उनके ऊपर हमले हो गए हैं। वीडियो आ गए कि उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। होली के चलते, क्योंकि होली उत्तर भारत में बहुत बड़ा त्यौहार होता है दिवाली जैसा, होली के चलते बहुत सारे अप्रवासी, जो प्रवासी मजदूर
अपने राज्य होली मनाने के लिए परिवार के साथ वापस आ रहे थे, लेकिन एकाएक जो लोग वहां होली मनाने वाले थे वो भी बैकपैक करके भागने लगे। तब पता पड़ा कि सोशल मीडिया पे लगातार खबरें लीक हो रही है कि तमिलनाडु के तमिल लोग प्रवासी मजदूरों को, उत्तर प्रदेश बिहार के मजदूरों को पकड़ पकड़ के मार रहे और अपनी जान बचाने के लिए एक भगदड़ सी मच गई। ये खबरें आते से ही रेलवे स्टेशन पर उमड़ती हुई भीड़, सोशल मीडिया पर चलने हुई खबरें, इसने पूरे देश में हंगामा मचा दिया। खासकर बिहार के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री ने सीधा स्टेलिन से बात की। बिहार ने एक डेलीगेशन भेजा तुरंत वस्तुस्थिति जानने के लिए। स्टेलिन ने अपने पुलिस डिपार्टमेंट को वस्तुस्थिति जानने के लिए किया तो पता पड़ा कि जो वीडियोस थे और जो खबरें थी वो फेक खबरें थी। एक जगह झगड़ा झारखंड के और बिहार के दो वर्कर के बीच में हुआ था। वो आपसी दुश्मनी के चक्कर में चलते वो झगड़े थे, उसमें तमिलनाडु का कोई लेने देना नहीं था। एक जगह एक खबर आई कि कुछ लोग किसी प्रवासी अब मजदूर के मुंह पे सिगरेट का धुआं छोड़ रहे थे, उससे कुछ झगड़े हो गए, उस वजह से उसी झगड़ों को ये रंग दिया गया। इसी चक्कर में ये वीडियो वायरल करने के और लगातार तमिलनाडु में बिहारियों को और यूपी वालों को मारा जा रहा है, ये ट्वीट और ये इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे लगातार बोलने के लिए जो बीजेपी के स्टेट अध्यक्ष है, राज्य के तमिलनाडु के अध्यक्ष है के अन्नामलाई, इनके खिलाफ साइबर पुलिस ने केस दर्ज किया है। और लगातार पुलिस से लेके पूरा तमिलनाडु प्रशासन, पूरे उद्योग जगत के जितने भी एसोसिएशन है वो लगातार इस बात को प्रसारित कर रहे हैं कि उत्तर भारत से ही नहीं, देश के किसी भी कोने से आया हुआ हर मजदूर तमिलनाडु में सेफ है, सुरक्षित है। तमिलनाडु के कई, मैंने कई अखबार देखे, लोकल अखबार भी तमिलनाडु में जो इंग्लिश अखबार छप रहे वो भी देखे, हिंदू से लेके इंडियन एक्सप्रेस तक। उसके बाद मैंने कई हिंदी अखबारों को खंगाला जिनके रिपोर्टर्स वहां जाके ग्राउंड जीरो पे बात कर रहे थे। वहां हर मजदूर ये कह रहा था कि हमको डर लग रहा है, लेकिन जिसको भी पूछा कि आपने देखा क्या, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने वीडियो देखा, हमने खबरें सुनी है। उसके अपने यूनिट में, उसके अपने गांव में किसी भी प्रवासी मजदूर को किसी भी तमिलियन ने नहीं मारा, किसी और जगह मारा करके जो सुनने में आया, और जिस जगह का मारने आया वो भी जगह के लोग ढूंढ रहे कि किसको किसने मारा। ये खबर चलाकर कहीं ना कहीं एक झूठ फरेब परोसकर, ये तमिलनाडु के जनता के बीच में हीरो होने का सवाल नहीं था, ये तेजस्वी यादव को निपटाने की एक षड्यंत्र थी जो जिसका भांडाफोड़ हो गया। 10 लाख लोग, प्रवासी मजदूर तमिलनाडु में काम करते हैं। वहां सिक्योरिटी गार्ड हो, प्लंबिंग हो, इलेक्ट्रिशियन हो, कारपेंट्री हो, ये सब नॉर्थ उत्तर भारत के मजदूरों के भरोसे हैं। वहां के उद्योग है, रियल इस्टेट है, जितना कंस्ट्रक्शन का काम है वो सब उत्तर भारतीय मजदूरों के भरोसे चलता है। वहां के उद्योगपति या वहां का समाज नहीं चाहेगा कि वहां काम ठप हो जाए। 10,000 यदि मजदूर वहां से चले गए तो इससे ज्यादा नुकसान तमिलनाडु से ज्यादा किसका हो सकता है। वहां के लोगों से जब बात हुई, तमिलनाडु के कुछ वर्कर्स के, इंडियन एक्सप्रेस यदि मैं खबर को सही मानूं, तो वहां तो कुछ बातें ऐसी भी हुई कि जिस काम के लिए हमें 70-75 रुपए बिहार में मिलते हैं, उसी काम के हमें 600 रुपए तक यहां मिलते हैं। तमिलनाडु का कोई यदि वर्कर होगा तो उसी 600 रुपए के काम के लिए 800 से 900 रुपए मांगता है। इसलिए काम देने वालों के लिए हम सस्ते नजर आते हैं, लेकिन बिहार के तुलना में 6 गुना ज्यादा हमको मिलता है। एक मजदूर ने तो यह भी कहा कि 100 से 75 से 100 रुपए जो मिलते हैं वो भी धुतकार के दिया जाता है और गाली गलौज करके दिया जाता है। यहां तो कम से कम इज्जत है, यहां कोई किसी को जाति, ऊंची जात, नीची जात से लेके बोलता नहीं, हम यहां ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। बेरोजगारी तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में भी भूमिपुत्रों का बात हो रही है, लेकिन भूमिपुत्र यहां काम करने को तैयार नहीं है।
यदि कोई उत्तर भारतीय 8 घंटे की जगह 9 घंटे भी काम कर लेता है, 10 घंटे भी काम कर लेता है, क्योंकि उसको काम अपना पूरा करना है, इसीलिए वहां का एमएसएमई उद्योग हो या वहां कपड़ा उद्योग हो, वो इसलिए फुलफिल रहा है कि उसका बेस, उसकी रीढ़ की हड्डी उत्तर भारतीय है। तो ये सारे एसोसिएशन जानते हैं, सारे एसोसिएशन और जो अलग अलग लोग हैं वो लगातार होली के लिए गए हुए लोगों को इस बात को आश्वस्त कर रहे हैं कि आप तमिलनाडु में आइए, बल्कि बिछा के आपका स्वागत है, हम पूरी सुरक्षा देंगे, हम देखेंगे कि कौन तमिलियन आपको तकलीफ देता है। सवाल ये है, वो गारंटी भी आसानी से ले सकते हैं क्योंकि ऐसा तकलीफ कोई देता नहीं। जो अध्यक्ष है जिनके ऊपर FIR दर्ज हुई है, अन्नामलाई, उन्होंने कहा कि ये हिंदू विरोधी है, हिंदी विरोधी है, लगातार उत्तर भारतीयों के बीच बारे में ये फासिस्ट लोग DMK लगातार बात करते रहते हैं। यही DMK एक समय NDA की पार्टनर भी थी, तब इनको ठीक लग रहा था, आज वो फासिस्ट हो गए, यही बदलते रंग हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये हिंदी विरोधी है, ये पानीपुरी वाले बोलते हैं उत्तर भारतीयों को, ये पानीपुरी वाले बेचने वाले हैं, तो मुंबई में भी उत्तर भारतीयों को दूध बेचने वाले भैया कहते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के भी राजनेताओं ने ये बात समझ ली कि उत्तर भारतीयों का विरोध उनके लिए तकलीफ वाला होगा, क्योंकि यदि उत्तर भारतीय मुंबई से चला गया तो मुंबई स्टैंड स्टिल हो जाएगी। किसी मराठी आदमी को किसी का रोजगार कोई चिंता नहीं, रोजगार आप करना नहीं चाहते तो जगह खाली होगी तो बाहर का आदमी तो लेगा ही। इसीलिए उत्तर भारतीयों का विरोध करने वाले अब छठ पूजा का आयोजन करते हैं। यह बड़ा बदलाव महाराष्ट्र में आया, ऐसा ही बदलाव तमिलनाडु में भी आया। हिंदी विरोधी आंदोलन तमिलनाडु में आज का नहीं है, अंग्रेज के जमाने में भी जब हिंदी को कंपलसरी एजुकेशन में लाया गया तो वहां बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और अंग्रेज सरकार को भी वो अध्यादेश वापस लेना पड़ा। उसके बाद हिंदू का आंदोलन के मायने ये नहीं कि उत्तर भारतीय लोगों को भी तकलीफ होगी। आज भी दक्षिण भारत के कई कलाकार उत्तर भारत में आके काम करते हैं और उत्तर भारत के कई कलाकार दक्षिण भारत की फिल्मों में आज भी योगदान दे रहे हैं। जो रजनीकांत जो सुपरस्टार है वो ओरिजिनल कर्नाटक के बॉर्डर एरिया क्या है महाराष्ट्र के मराठी आदमी है, गायकवाड़ उनका नाम है, मराठी भी बोल लेते हैं लेकिन सुपरस्टार कहलाते हैं तमिल के। ऐसे असंख्य उदाहरण में दे सकता हूं, लेकिन आज सत्य डोला कहा कि जो झगड़े हुए ही नहीं उस झगड़ों का वीडियो देकर कहीं ना कहीं टारगेट किया गया था तेजस्वी यादव को कि उसे बदनाम किया जाए। वो उस मुख्यमंत्री का, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री का साथ दे रहा स्टेज पे, जिस प्रदेश के लोग उसके अपने भाई बंधुओं को बुरी तरह से पीट रहे। लेकिन सत्य कब तक डोलेगा? जब सत्य स्थिर होता है तो असत्य सामने आ जाता है, नहीं आता है तो फिर न्यूज नशा में हम यही काम करते हैं कि सच्चाई आपके सामने लाए। आज इतना ही, एक बार फिर से आप सभी को होली की शुभकामनाएं, फिर आता हूं परसों, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर, और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।